वेलकम माई स्टूडेंट्स। आज का हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। बहुत आसान टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? आखिर गवर्नमेंट बजट है क्या? सरकारी बजट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item-wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. सरकारी बजट एक fiscal year में जो सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा अनुमानित व्यय का वार्षिक विवरण है। इसमें जितनी भी receipts होती हैं, जितने भी expenditures होते हैं, वो अनुमानित होते हैं, estimated होते हैं। The budget of central government is known as union budget. जो केंद्रीय सरकार का बजट यूनियन बजट कहलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी बजट निर्धारित करती है, दैट इज कॉल्ड यूनियन बजट, उसको हम यूनियन बजट कहते हैं। द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स शोन इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर बट द एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर विच इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। स्टूडेंट्स, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो बजट में फिगर दिखाई जाती हैं, जितनी रिसीट्स हैं, आय है, जितने एक्सपेंडिचर्स व्यय हैं, वो एक्चुअल नहीं होते। कहने का मतलब है क्योंकि गवर्नमेंट आने वाले ईयर के लिए ये फिगर मान के चल रही है, तो वो एक्चुअल फिगर नहीं होंगे, बल्कि आने वाले फिस्कल ईयर में, एक राजकोषीय वर्ष में, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, अनुमानित वैल्यू होती है। गवर्नमेंट केवल अनुमान लगा लेती है कि आने वाले खर्च में, आने वाले ईयर में हमारी इतनी इनकम होगी, इतना रिसीट मिलेगा और इसी हिसाब से इतना एक्सपेंडिचर होगा। और फिस्कल ईयर का जो टाइम है, विच इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका समय होता है। कि 1 अप्रैल मान लीजिए 2020 का करना है, तो 1 अप्रैल 2022 और ये 31 मार्च 2021 तक आपका कमिंग फिस्कल ईयर रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब आखिर गवर्नमेंट बजट क्यों तैयार करती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, वो हमें विशेष रूप से ध्यान देने हैं। नंबर 1, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का आवंटन। गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। सरकार का उद्देश्य होता है कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण के हिसाब से संसाधनों को पुनः आवंटित करना। देखिए, जो मान लीजिए करंट ईयर में गवर्नमेंट ने जो पिछले साल रिसोर्सेज पर बजट एलोकेट किया था, तो वो ये देखती है कहाँ कमी रह गई। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उसका उद्देश्य होता है, संसाधन रिसोर्सेज को उस डिपार्टमेंट पर भी यूज किया जाए जहाँ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण भी हो। ये ही ना, केवल एक प्रॉफिट ही मिलकर के ना रह जाए और पूरा हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, पूरा देश उससे एक कल्याण की ओर भी अग्रसित हो सके। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करने के लिए, जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स। एक प्रोड्यूसर का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, तो गवर्नमेंट उनके लिए विभिन्न आइटम पर, विभिन्न रॉ मटेरियल पर, विभिन्न इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कंसेशन, कर में रियायत भी प्रदान कर सकती है एंड सब्सिडीज, आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती है। इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर जिन भी आइटम का प्रोडक्शन करेगा उसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, मार्केट रेट पर वो बेचने में सफल हो पाएगा, तो उसका जो एक मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ का अधिकतमीकरण, वो उस लाभ को प्राप्त करने में सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिक्वर थ्रू हैवी टैक्सेस। अब कई प्रोड्यूसर को रियायत देकर, सब्सिडी देके, टैक्स कंसेशन देके गवर्नमेंट कई आइटम के प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अगर हार्मफुल गुड्स हैं
हानिकारक वस्तु हैं, जैसे लिक्वर, जैसे शराब है, तो गवर्नमेंट उसके प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है उन पर हैवी टैक्स लगा के। जबकि गवर्नमेंट को इसे काफ़ी टैक्स की अर्निंग होती है, गवर्नमेंट का अर्निंग का एक सोर्स भी बढ़ जाता है, लेकिन समाज को एक कल्याण, समाज कल्याण की ओर अग्रसित होते हुए वो इस पे हैवी टैक्स लगा देती है ताकि केवल एक रिच वर्ग ही उसको यूज कर पाए। सेकेंड वन, एनकरेजेस द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। अब अधिक से अधिक जो खादी के आइटम है, जो अपने ही देश में निर्मित होने वाले खादी के आइटम है, उन पर अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करके, सब्सिडी दे के गवर्नमेंट उस खादी के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पूरी पब्लिक को एनकरेज करती है, प्रेरित करती है। तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि भाई इस करेंट ईयर में किन रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर जो उसने अपना उद्देश्य फोकस किया था, जो आइटम पर जो पैसे या अन्य रिसोर्सेस लगाए थे, तो आने वाले साल में अब इन रिसोर्सेस को फिर से कैसे रीएलोकेट किया जाए जिसके उसके दोनों उद्देश्य, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर, लाभ भी अधिक से अधिक मिले और समाज का भी अधिक से अधिक कल्याण हो। सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, आय तथा संपत्ति में असमानता को कम करना। गवर्नमेंट का एक उद्देश्य यह भी होता है कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति तो अधिक से अधिक अमीर होता जा रहा है और दूसरी साइड में, दूसरे डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वो लोग गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि जो आय और संपत्ति में असमानता है, इनइक्वलिटी है, उसको हम रिड्यूस कैसे करें। तो गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य होता है कि अमीर व्यक्ति पर, जो रिच व्यक्ति हैं, उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाना, और जो उससे जो टैक्स से जो अर्निंग आई, टैक्स से जो पैसा आया, उसको गरीब व्यक्ति के कल्याण पर खर्च करना, ताकि क्या होगा कि इनकम की जो इनइक्वलिटी है वो खत्म हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम गरीब अमीर व्यक्ति की भी कम हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उसे टैक्स देना होगा, और चूंकि गरीब व्यक्ति को बिना अपनी इनकम हुए ही उसके कल्याण के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जैसे इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच, जो धनी व्यक्ति हैं उनकी इनकम को, इससे उनकी इनकम में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी अधिक से अधिक टैक्स देने के कारण। और इट विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अच्छा, इधर तो गरीब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, इधर गरीब सॉरी रिच लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उनका रहने का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा क्योंकि उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें प्राप्त होंगी, तो वो अधिक से अधिक अपनी इनकम को अन्य साधनों पे लगा पाएंगे। थर्ड उद्देश्य, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। आर्थिक स्थिरता लाने के करने का भी एक गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है, जैसे प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। जैसे इनके अधिकतर मार्केट में क्या होता है कि दो प्रकार की परिस्थितियां, सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे नंबर वन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस। इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी कहाँ है कि जहाँ महंगाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं है, तो आइटम की कीमतें और बढ़ती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट पब्लिक की डिमांड को कम कर सकती है, कैसे, बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, उसका जो अपना व्यय है उसको कम करके, अपने व्यय को वो कम करेगी एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा देगी। जितने ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी उतना लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर को कम होने पे डिमांड भी कम हो जाएगी, तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट हेल्पफुल होगी। सेकेंड वन इज इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशंस, ये मंदी की सिचुएशन में, तो गवर्नमेंट जहां लोगों की परचेजिंग पावर है ही नहीं, गवर्नमेंट पब्लिक
आइटम्स को खरीदने में सफल है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने व्यय में वृद्धि कर सकती है एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज और विभिन्न आइटम पर कर में रियायत और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। जितना सब्सिडी दे करके आइटम की कॉस्ट कम हो जाएगी उतना लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोग उस आइटम को लेने में सफल होंगे। नेक्स्ट फोर्थ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है इंडियन बजट का, गवर्नमेंट बजट का, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक जो गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जहां गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी दोनों का एक मिक्सअप प्रबंधन होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड, विभिन्न नंबर में जो पब्लिक सेक्टर हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको मैनेज फॉर सोशल, लोगों की, पब्लिक की कल्याण के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए इनको एस्टैब्लिश भी किया जाता है और इनको पूरी तरह से प्रॉपर वे में मैनेज भी किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का पूरी तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि एंड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो बजट कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री। गवर्नमेंट बजट जो है देश के आर्थिक विकास में एक प्रभावकारी उपकरण के रूप में सिद्ध होता है। कैसे? कि गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज पर, उन डिपार्टमेंट पर, उन आइटम्स के प्रोडक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसोर्सेज प्रदान करेगी जिनसे कि प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो, और प्रोडक्शन के अच्छे लेवल पर होने पर हमारी जीडीपी बढ़ेगी, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो एट लास्ट गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज जीडीपी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। अंत में हम एक शॉर्ट रूप में कि गवर्नमेंट का बजट स्थापित करने का, बजट रियलोकेट करने का उद्देश्य क्या है, तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है टू इंक्रीज जीडीपी, जीडीपी में वृद्धि करना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन, जो भी मुद्रा स्फीति या स्फीति की सिचुएशन उनको नियंत्रित करना, एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को, जो उनकी आय व संपत्ति है, इनकम है, इसकी इनइक्वालिटी को कम करना, इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। वो ये सब क्या क्यों करेगी? वो एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता मेंटेन करने के लिए, अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता मेंटेन करने के लिए असमानता को कम करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन को नियंत्रण में करना और एक जीडीपी में वृद्धि करना, यही हमारे गवर्नमेंट का बजट प्रोवाइड करने का उद्देश्य होता है। थैंक यू।